नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी इस वीडियो में हम 10 में 6 का डिवाइड कैसे करें यह स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। किसका डिवाइड करें? 6 का। किस में करें? 10 में। देखिए, 6 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या 6 से बड़ी हो। यदि एक अंक की संख्या, तो पहले एक अंक के साथ तुलना करो, देखो क्या 6 से बड़ी है, नहीं तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। कितना आ गया? 10। 6 से बड़ी यानी आराम से डिवाइड हो जाएगा। अब हम 6 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 10 से बढ़ाना है। देखिए, एक संग संग बे संग 12। 6 का पहाड़ा यदि हम 2 बार लेते हैं तो भी इससे बड़ा आ रहा है, मतलब एक बार लेने पर इससे बड़ा नहीं है। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया? 4। अब आगे डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 आ जाएगा। देखिए, 6 का पहाड़ा हम 6 बार लेते हैं, कितना आता है? 36। 7 संग 42। 7 बार लिया, इससे बड़ा आ गया, 6 बार लेने पर बड़ा नहीं आ रहा, ये ध्यान रखें। जैसे हमने 6 बार लिया तो इससे एक बड़ा लेकर देखो, 7 लेकर देखा हमने, 7 लेने से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब 6 आपका यहाँ पर परफेक्ट है। फिर हम इसको घटाते हैं। देखिए, घटाने पर जो संख्या आ रही है वो क्या होनी चाहिए? 6 से छोटी होनी चाहिए, इसका मतलब डिवाइड हमने सही किया। यदि 6 से सोचिए बड़ी आ रही है, इसका मतलब हमने यहाँ गलती कर दी। तो साथ ही साथ ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया, फिर गया 6 बार। बहुत सारे डिवाइड के वीडियो आए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, आपके लिए डिवाइड करना आसान हो जाएगा। पॉइंट लगा रखा, 0 आ जाएगा, फिर गया 6 बार, फिर कितना आ गया? 36। माइनस किया, 6 आ गया। ये सिलसिला आपका आगे चलता रहेगा। कितना आ रहा है? 1.666। इसको अप्रोक्सीमेट हम क्या लिख सकते हैं? 1.67। कैसे? हम यहाँ से छोड़ रहे हैं, जहाँ से छोड़ रहे हैं यदि वो आपका 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है तो आगे में एक जुड़ जाता है। ये आपका गणित का नियम है, पॉइंट के बाद लागू होता है।